हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लूडो सुप्रीम लीग गेम खेलकर बताऊंगा। तो दोस्तों, जहां पर हमको डेली कम से कम दोस्तों जहां पर हमको 5 गेम खेलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकते हैं हमारी किस्मत खुल जाए, हो सकते हैं हम दोस्तों फर्स्ट रैंक पर आ जाएँ। तो दोस्तों हमको डेली कम से कम इस गेम को 5 बार खेलना चाहिए, हो सकते हैं हमारी 3 गोटी होम हो जाएँ और हम जहाँ पर फर्स्ट रैंक पर आ जाएँ। तो दोस्तों जहाँ पर हमको 50,000 रुपये मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी एंट्री है 25 रुपये। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों जहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं लगता है, 25 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर हम अगर आप रैंक चेक कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम जहाँ पर 32,000 रैंक पर आ जाते हैं तो दोस्तों जहाँ पर हमारे रुपये वापस आ जाते हैं 25 के 25। तो दोस्तों जहाँ पर हमको घाटा कुछ भी नहीं होता है। अगर दोस्तों आपने एक एक गोटी होम कर लिया, अगर आपने दूसरी गोटी होम नहीं कर पाई तो दोस्तों जहाँ पर आप 25 रुपये लॉस कर जाएंगे। तो दोस्तों आपको दोनों गोटी होम करना है, तो दोस्तों हो सके तो आपको 30 गोटी भी होम करना है। तो दोस्तों हमें कोशिश करना है, हो सके दोस्तों हम फर्स्ट रैंक पर आ सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर हमको हम आपको इस गेम में खेल कर बताएंगे। तो दोस्तों जहाँ पर हम जॉन हो चुके हैं, तो दोस्तों देखते हैं हम कितनी गोटी कमा पाते हैं जहाँ पर। तो दोस्तों मेरा गेम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जहाँ से हमको घर से 2 गोटी खोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम 2 गोटी घर से ले जाएंगे तो दोस्तों हमको 2 चांस मिलते हैं गोटी काटने के लिए। तो दोस्तों दोनों चांसों में हम गोटी आसानी से काट लेते हैं और दोस्तों जहाँ पर गोटी बच भी नहीं पाती है। तो दोस्तों आपको ऐसा ही करना है। तो दोस्तों 3 में इसको चल लूँगा और दोस्तों बाद में हम इसकी गोटी काटेंगे। और दोस्तों अगर हमारा 6 आ जाएगा गोटी काटने के बाद, तो दोस्तों जहाँ पर हमें और ज़्यादा स्कोर मिल जाएंगे तो दोस्तों हमारी 3री गोटी भी होम हो सकती है। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा पूरा चुका है और देखते हैं दोस्तों काटने के बाद क्या आता है। तो दोस्तों हमारा छोटा स्कोर आ रहा है जहाँ पर, तो दोस्तों हम इसको चलेंगे। और दोस्तों जहाँ पर हमारा 2 फिर से आ गया तो इसको चल लेते हैं। और दोस्तों 2 वही फिर से आ गया तो दोस्तों हम इसको चलेंगे। तो दोस्तों जहाँ पर बना आ गया तो इसको काट देते हैं हम। और जहाँ पर देखते हैं दोस्तों बने ही फिर मिल गया, तो दोस्तों हमें बहुत छोटा स्कोर मिल रहा है गोटी काटने के बाद। तो दोस्तों अब बने रहिए आप हमारी वीडियो में। तो दोस्तों जहाँ पर बन फिर से आ गया हमारा, तो दोस्तों हम इसको चलेंगे। और दोस्तों जहाँ पर हमारा 3 आ गया तो दोस्तों हम अब इसको चलना है। तो दोस्तों 3 फिर से आ गया हमारा, इधर चल लेते हैं हम। तो दोस्तों अभी हमारे पास बहुत ऑप्शन है, तो दोस्तों अभी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत ही अभी 16 चाल बाकी हैं। तो इन 16 चालों में दोस्तों हम अपनी गोटियों को हम आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 5 आ चुका है तो हम 5 में इसको चलेंगे। और दोस्तों 3 फिर से आ गए तो इसको चल लेते हैं हम। और दोस्तों जहाँ पर हमारा 5 आ गया तो 5 में हम इसको चल लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा 5 फिर से आ गया तो दोस्तों हम इसको ले जाएंगे। और दोस्तों जहाँ पर 5 फिर से आ गया हमारा तो हम इसको ले जाएंगे। और दोस्तों जहाँ पर 5 में जिस गोटी काट देंगे तो दोस्तों जहाँ पर हमारा बड़ा बड़ा स्कोर जो आगे निकल रहा है, और जहाँ पर दोस्तों 1 में हम इसे काटेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा 2 आ चुका है तो दोस्तों हम 2 में इसको चलेंगे, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हमको 2 चांस मिलते हैं गोटी काटने के लिए। तो दोस्तों 4 में हम एक गोटी काटेंगे। और दोस्तों 3 में हम एक गोटी काटेंगे, हो सकते हैं दोस्तों हमारा 3 बहुत भिन्न हुआ है, तो दोस्तों हमें इसको काटना चाहिए। दोस्तों जहाँ पर हमें 3 इसको चलना चाहिए। और दोस्तों 6 में हमें गोटी काट देते हैं। और दोस्तों जहाँ पर हमारा 1 आ गया है तो 1 में दोस्तों हम इसको चल लेते हैं। और दोस्तों जहाँ पर 6 में हम इसको चल लेते हैं। और देखते हैं दोस्तों 4 में हम ये गोटी काट देते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर अभी हम हमारे स्कोर जो बचे हैं, तो दोस्तों जहाँ पर हमारा टोटल स्कोर 430 हैं। और दोस्तों हमारे पास अभी 4 चाल बाकी हैं, तो दोस्तों हमें 2 में इसको चलना है। और दोस्तों जहाँ पर हमारा 4 आ गया है 4 में हम इसको चलेंगे। और दोस्तों जहाँ पर हमारा 6 आ गया तो 6 में हम इधर चलेंगे। और दोस्तों जहाँ पर हम 1 में इसकी गोटी काट देते हैं,
और दोस्तों जहाँ पर हमारे पास चार चाल बची हैं तो दोस्तों हमारी दोनों गोटी आसानी से होम हो जाएंगी। तो सिक्स में हम अपनी गोटी को होम कर लेते हैं और दोस्तों हमारा बन आ गया। और दोस्तों जहाँ पर हमारी गोटी होम हो जाएगी आसानी से, तो दोस्तों हम फोर में अंदर चलेंगे। और थ्री में हम अपनी गोटी को होम कर लेंगे। तो दोस्तों जहाँ पर हमारे कैसे बार है स्क्वायर,